जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मोर ऑन माइटोसिस साइटोकाइनेसिस क्या है। हमने देखा था पहले के माइटोसिस के हमने दो स्टेप्स में हमने इसको कवर किया था। पहला है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस जो कि है न्यूक्लियस की डिवीजन, और उसके फोर स्टेप्स है वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो फोकस है वो साइटोकाइनेसिस पे है जो कि होती है हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन। देखते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी, प्लांट्स में और एनिमल्स में इसमें डिफरेंस होता है, इन दोनों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। जी, हम स्टडी कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस को। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस में डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, दो नए सेल बनेंगे तो हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट होगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, अब हमारे पास जो है टीलोफेज में दो न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस अलग से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया है, दोबारा से हमारे पास अपीयर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से क्रोमेटिन टील में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेंट्रियोल भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने लिख लिया यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ चुका है। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास जो है एनिमल सेल में सेंटर में कर्व, या आपको कर्व नजर आ रहा है, इसको हम फ्रो कहते हैं। ठीक है, ये जो कर्व बनेगा इससे सेंटर से क्लीवेज होगी और ये सेल जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो सेल्स में, न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। ठीक है, क्लीवेज हो रही है, और ये जो दरमियान में सेंटर में प्लेट बनती है इसको हम फ्रो कहते हैं। इसको हम लेबल कर लेते हैं फ्रो, एफ यू डबल आर ओ डब्ल्यू। ठीक है, फ्रो बन गया, और इसके बाद जब सेल अंदर से पिंच होके अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास टू न्यू सेल्स बनेंगे। हमारे पास नए सेल बन गए हैं, तो यूं हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट होगी। माइटोसिस न्यूक्लियस की डिवीजन से अकेले कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमारे पास साइटोप्लाज्म भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यू, टू न्यू डॉटर सेल्स बन गए हैं। ठीक है, इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, डॉटर सेल्स। ये एनिमल सेल में हो रहा है, यहाँ हम लिख लेते हैं एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म डिवीजन है। ठीक है, प्लांट में इससे बिल्कुल डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट में हमारे पास सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा हमारे पास सेल वॉल भी होती है। तो हम देखते हैं अब कि प्लांट में ये डिवीजन कैसे होगी। ये हमारे पास फिगर जो आपको नजर आ रही है, ये एक प्लांट सेल की है। ठीक है, इसमें भी जब हमारे पास टीलोफेज होता है, ये हमारे पास टीलोफेज स्टेप है, यहाँ हम लिख लेते हैं टीलोफेज। ठीक है, और हम अभी किस को डिस्कस कर रहे हैं, अब हम प्लांट में साइटोकाइनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स में कैसे साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनानी है तो हमारे पास जब टीलोफेज में, टीलोफेज स्टेप आता है तो गॉल्जी अपैरेटस जो कि हमारे पास सेल्स में सिक्रीशंस करता है वो ऐसे मटेरियल बनाता है जो कि सेल वॉल को बनाते हैं। ठीक है, गॉल्जी अपैरेटस जो कि सेल का ऑर्गेनेली है। ठीक है, गॉल्जी अपैरेटस ये सिक्रीट करेगा कुछ वेजिकल्स, सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिक्रीट के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, हमारे पास जो वेजिकल्स आएंगे वो बनाएंगे सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, वेजिकल्स, वेजिकल्स फॉर्म सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सेल वॉल मटेरियल है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सेल वॉल मटेरियल होगा इसकी एक प्लेट सी बन जाएगी, जब ये प्लेट बनती है इसको हम फ्रेग्मोप्लास्ट कहते हैं। ये जो हमें प्लेट नजर आ रही है इसको लेबल कर लेते हैं, ये प्लेट जो है इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेग्मोप्लास्ट, फ्रेग्मोप्लास्ट। ठीक हो गया, और अब इसके बाद क्या होगा, जब फ्रेग्मोप्लास्ट से सेल वॉल नहीं डेवलप हो जाएगी, ये हमारे पास नई सेल वॉल डेवलप होगी, इसको हम लेबल कर लेते हैं सेल वॉल। ठीक है, और इस यूं हमारे पास जो एक प्लांट का सेल है वो दो न्यू सेल्स में, ये देखिए हमारे पास ये दो न्यू सेल्स बन गए हैं। ठीक है, इसको हम लेबल कर लेते हैं टू न्यू सेल्स बन गए, टू टू सॉरी न्यू सेल्स। ठीक है, और ये हमारे पास दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस है, टीलोफेज में न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियस अपीयर हो गया है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फ्रेग्मोप्लास्ट बनी और सेल वॉल बनी, देन हमारे पास जो है प्लांट का सेल डिवाइड हुआ। तो आज हमने साइटोकाइनेसिस को देखा है जिसके बाद माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है, और इसमें यह है कि प्लांट और एनिमल में साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट में सेल वॉल बनाने के लिए गॉल्जी अपैरेटस वेसिकल्स बनाएगा, तो हमारे पास
टू न्यू सेल्स बनेंगे। और एनिमल्स में जो है जस्ट क्लीविज से फ्रो बनती है, कर्व बनता है, जिससे वो पिंच होके अंदर से सेल जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और इस तरह हमने माइटोसिस के प्रोसेस को आज कंप्लीट कर लिया है। माइटोसिस का प्रोसेस जो है दो मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियस की डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन। और साइटोप्लाज्म की डिवीजन के साथ ही हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है और एक सेल से न्यू दूसरा सेल बन जाता है और हमारे पास दो सेल्स आ जाते हैं।